चार साल पहले एसडीएम कार्यालय जंजैहली को थुनाग में शिफ्ट करने पर सीएम जयराम ठाकुर के विरोध में धरने हुए थे और इन धरनों के दौरान 56 लोगों पर केस भी किए गए थे। प्रदेश सरकार ने प्रदर्शन करने पर 15 केस बनाए थे, जिनमें से 12 केसों को वापस ले लिया गया है, लेकिन 3 केस अभी भी चले हुए हैं। शनिवार को सीपीआईएम व कांग्रेसी नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इन 3 केस को भी प्रदेश सरकार से वापस लेने की मांग उठाई है और प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ये केस जल्द वापस नहीं लिए गए तो एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। हमारा कहना ये है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो केसेस हैं, जो गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को स्वीकार किया हुआ है, 4.5 साल हो गए अभी तक ये केसेस वापस नहीं हुए, ये बहुत गलत बात है। ये जो एक गवर्नमेंट के साथ जो वार्ता है, जो एक विश्वास जो गवर्नमेंट का होता है, इस विश्वास में लोगों में कमी आई है। और तो हमने इस संदर्भ में आज जिलाधीश महोदय मंडी को और SP मंडी के साथ बात हुई हमारी, हमने उनको अवगत कराया। पहली दफ़े हम उनसे मिले, अवगत कराया कि ऐसा ऐसा मामला 4.5 साल से चला हुआ है जिसको तुरंत प्रभाव से वापस होना है। अब हमारा कहना ये है, हम सिर्फ आपके माध्यम से सरकार को, सरकार के अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी परेशानी है, ये परेशानी है सरकार की वजह से हमको ये परेशानी आ रही है। हम लोगों को, हम निवेदन कर रहे हैं कि ये इनको तुरंत जो है वापस लिया जाए, वरना अन्यथा हम विवश हो जाएंगे, हमारे पास कोई और कोई रास्ता नहीं रहेगा, हम फिर से आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, जिसका सारा का सारा जो दोष है वर्तमान अधिकारियों को और वर्तमान सरकार पर होगा, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ।